आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में दी। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने दिन भर में संभाल कर ये समय हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, यशाया और उसका 54:17 में इस प्रकार से लिखा है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से तुझ पर कोई भी सफल ना होगा। मेरे प्रियो, चाहे शैतान आपके विरोध में कितने भी हथियार क्यों ना इस्तेमाल कर ले, चाहे वो कितने भी जलते हुए तीर आप पर क्यों ना चला लें, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझ पर उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। चाहे कोई भी मनुष्य आपके विरोध में कितनी भी योजनाएं बना ले, आपकी हानि को करने के लिए कितनी भी योजनाएं बना ले, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उनमें से कोई भी आप पर सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, परमेश्वर आपका रक्षक बनेगा। चाहे वो गोलियत जैसा बड़ा सामर्थी क्यों ना हो, परंतु वो आपके सामने उसके तीर सफल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। तब चाहे आप दाऊद की तरह एक छोटे बच्चे क्यों ना हो, परंतु आप उन पर प्रबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके रक्षक हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप दुष्ट के उन जलते हुए तीरों से न डरें, शैतान की उन योजनाओं से न डरें, या फिर मनुष्य की उन योजनाओं से न डरें जो आपकी हानि के लिए बनाई जाती हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, वो आपकी ओर से लड़ेगा, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है और वो आपके संग संग है। वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपकी ढाल बनेगा और आपको हर एक दुष्ट से सुरक्षित रखेगा और आपकी रक्षा और आपकी हिफाजत करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसलिए वो आपको हर एक दुश्मन से, हर एक हथियार से जो आपकी हानि के लिए बनाया जा रहा है, उससे आपको बचाएगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, विशेषकर हम धन्यवादी हैं आज की शाम के लिए प्रभु जी, जो ये आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबको पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आते हैं यीशु मसीह। हर एक जन के लिए आपसे विनती निवेदन और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि हर एक के प्रार्थना का उत्तर आप उनके जीवन में दे प्रभु जी। पिता, हर एक को दुख विपत्ति मुसीबतों से, परेशानियों से, तकलीफ से, बीमारियों से आप बचा कर रखें पिता परमेश्वर। अपनी सुख समृद्धि आशीषों को, आनंद को, शांति को, भलाई को, कृपा को उनके जीवन में बनाए रखें प्रभु जी। प्रभु, इस वचन के अनुसार एक एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु जी, कि हर एक के जीवन में प्रभु जी, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें हों, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानियां उनके जीवन में है प्रभु जी, शैतान जो उनके विरोध में प्रभु जी बहुत सारे गड़बड़ियों को लाता है, परेशानियों को लाता है, बीमारियों को लेकर आता है प्रभु जी, पिता परमेश्वर इन सारी बातों को आप उन पर सफल ना होने दें। चाहे रिलेशनशिप में गड़बड़ियों का हथियार उन पर अपनाए परमेश्वर पिता, परिवारों में कलेश को लेकर आता है, अविश्वास को लेकर आता है प्रभु जी, कि ये शैतान के जितने भी तीर है प्रभु जी, किसी पर भी सफल ना होने पाए प्रभु जी। प्रभु, जो असफलताएं आती हैं, निराशाएं आती हैं पिता परमेश्वर प्रभु, डिप्रेशन जो लोगों के जीवन में है प्रभु जी, पिता परमेश्वर बीमारियां जो उनके जीवनों में है पिता प्रभु जी, उनके जीवनों में सफल ना होने पाए प्रभु। हर एक को आप अच्छी हेल्थ प्रदान करें, निराशाओं से बाहर निकाल के उनके जीवन में आशाओं को भर दीजिए परमेश्वर प्रभु। हर एक की आप सहायता और मदद कीजिए। और परमेश्वर, जो लोग प्रभु एक दूसरे के प्रति प्रभु जी गलत भावनाओं को रखते हैं पिता परमेश्वर, एक दूसरे के लिए गलत प्लानिंग्स को करते हैं पिता, दूसरों के घरों को तोड़ने के लिए प्लानिंग्स करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है उनकी कोई भी योजना यीशु मसीह के नाम से सफल ना होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, हर एक के जीवन को आप प्रोटेक्ट करें, हर एक के रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, हर एक के हेल्थ को प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर, बीमारियों से हर एक को छुड़ाकर प्रभु उनके जीवन को प्रोटेक्ट करें पिता, हर एक को गलत लतों से प्रभु प्रोटेक्ट करें, हर एक के बच्चों को प्रभु जी प्रोटेक्ट आप करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो आपसे विनती निवेदन कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दीजिए परमेश्वर पिता। आप उनकी सहायता कीजिए, आप उनकी ढाल बनिए, आप उनके रक्षक हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देने वाले प्रभु हैं पिता। धन्यवाद कि आपने एक एक की सुधि ली पिता, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर
हरेक को आप संभाले, सुरक्षा दायरे में रखे प्रभु। जो रात को नहीं सो पाते हैं प्रभु जी, उन्हें मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।